हाय गाइस, मैं हूँ मोनिका, आप देख रहे हो फिल्म बीट। और आज मैं आपको मिलाने वाली हूँ बिग बॉस के एंटरटेनर जी हाँ शहनाज गिल, जिनके पापा आज हमारे साथ मौजूद है। वेल, शहनाज का गेम प्ले काफ़ी चेंज हुआ है, तो चलिए उनकी जर्नी जानते हैं। और बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं हमारे पास, जिससे हम बात करेंगे आज उनके डैड से। सबसे पहले अंकल जी, वेलकम टू फिल्म बीट। थैंक यू, सत श्री अकाल सर। अभी हम आप देख रहे हैं मुझे फिल्मी बीट पे। ओके अंकल, सबसे पहले मुझे एक चीज़ आपसे जानना है। शहनाज गिल उसे हर कोई फ्लिपर कह रहा है, वो खुद भी ये चीज़ मान चुकी है कि मुझे जो एंटरटेन करता है मैं उसके साइड हो जाती हूँ, जो मेरी तारीफ करता है मुझे अटेंशन पसंद है। तो क्या वो बचपन से ही वैसी है या फिर वो गेम ऐसे दिखा रही है, गेम प्ले है उसका? नहीं, वो बचपन से ही ऐसी है। आपको ये उसकी टिकटॉक देख लो, जहाँ उसके पिछले वीडियो निकाल के देख लो, तो वो आपको एंटरटेन करती दिखेगी। अटेंशन जैसे उसको चाहिए चाहिए, अटेंशन सीकर है वो, तो शुरू से ही उसका ऐसा है। आप बहुत सारी टिकटॉक बनी हुई है, जब वो शूट पे जाती थी तो जैसे शूटिंग में जाते थे माइक पकड़ के गाने गाना और एंटरटेन करना, तो ऐसे वो शुरू से ही ऐसे ही चल रहा है उसका। तो अभी जिन लोगों ने काम किया है उसके साथ, जैसे पुराने डायरेक्टर हो गए, ठीक है ना, वीडियो डायरेक्टर हो गए, और जिन लोगों ने शहनाज के साथ काम किया हुआ है, आप किसी भी पुराने बंदे को पूछ लो शहनाज कैसी है, तो आपको वही यही बताएगा कि शहनाज जो दिख रही है वो रियल ज़िंदगी में भी ऐसी है। एग्जैक्टली, क्योंकि कई सारे लोग कह रहे थे कि वो फेक है, वो कोई कैरेक्टर प्ले कर रही है। जैसे कि उन्होंने भी कहा था कि जब भी मैंट की करीना कपूर समझ रहे हैं मुझे कि मैं वो एक्ट कर रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन इससे मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हर कोई बहुत सारी चीज़ें कह रही है शहनाज के बारे में, क्योंकि लोग उसे जितना पसंद कर रहे हैं, पॉपुलैरिटी है कहीं ना कहीं, उतना लोग उनके बारे में कमेंट्स भी कर रहे हैं अगेंस्ट शहनाज के। तो आपको क्या लगता है कि मतलब वो जो रियल है, ये रियल शहनाज गिल ही है? रियल शहनाज गिल है, वो ऐसी ही है जी। अच्छा, लेकिन उन्हें लोग अभी भी, जैसे रश्मि ने कहा था कि वो उनको भरोसा नहीं कर सकती, वो उन्हें कहती है कि ये भरोसे के लायक नहीं, क्योंकि ये फ्लिपर है, इसके ऊपर हम अपना दिल खोल के कोई चीज़ बोल नहीं सकते, ये कभी भी पार्टी बदल लेती है, ये कभी इधर कभी उधर, ये भरोसे के लायक नहीं है। देखो, पता क्या है, जो रश्मि देसाई है या विशाल आदित्य सिंह है, पारस और सिद्धार्थ शुक्ला, इन्होंने बहुत सारे शो किए हुए हैं, ठीक है ना, ये इनका पहला शो नहीं है, शहनाज का ये पहला शो है। और शहनाज को गेम कुछ नहीं आती, ठीक है ना। ये लोग चाहते हैं कि अगर हम झूठ बोलें तो हमारा जो साथी है, हमारे ग्रुप का मेंबर है, वो भी हमारे पीछे लगे, ठीक है ना, हमारे साथ चले। लेकिन शहनाज एक ऐसी बंदी है, अगर जहाँ उसको कुछ गलत लिखेगा, अगर कोई गलत हो रहा है तो वो बोलेगी। वो हमेशा, अगर घर पूरा घर एक साइड पे हो, वो अकेली एक तरफ जाएगी, पूरा घर एक तरफ जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो अगर कहीं ना कहीं झूठ चल रहा है या गलत हो रहा है, वो सच का साथ देगी। वो हमेशा सच के पीछे जाएगी कि असलियत में क्या है, असलियत के पीछे भागेगी वो। क्योंकि ये लोग चाहते हैं, ये लक्ष्मी देसाई होगी, ये चाहते हैं कि अगर हम एक बंदे को नॉमिनेट करें तो हमारी जो जितनी टीम है वही उस सारी टीम उसको ही नॉमिनेट करे। आपने देखा भी होगा जब ये भेड़चाल चलते हैं, शहनाज ने कई बार बोला भी हुआ है, जब शेफाली बग्गा नॉमिनेट हुई थी तो पूरे घर ने क्या किया था, शेफाली बग्गा को नॉमिनेट कर दिया था। लेकिन शहनाज एक ऐसी बंदी थी, फिर भी अकेला घर एक तरफ, शहनाज एक तरफ, अकेली शहनाज ने शेफाली बग्गा को वोट की थी, बाकी सारे घर ने मधुरिमा को वोट की थी, क्योंकि भेड़चाल चल रहे थे, दूसरे घर वाले जो हैं भेड़चाल चलते हैं। लेकिन शहनाज एक ऐसी बंदी है, वो हमेशा जहां उसको ठीक लगता है वो वही करती है।